नमस्कार मित्रों, स्वागत है जीके हेल्प विद एसबीएम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में स्थित जो बेल आइकन की घंटी है उसे जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन एक है, देश की कुल पशु संपदा का भाग राजस्थान में कितना प्रतिशत है? आपका आंसर है 10.58%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल पशु संपदा की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, राजस्थान का राजकीय संरक्षित पशु है ऊंट। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पशु का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु का प्रतिशत बकरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध उत्पादन हेतु गाय की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है? तो थारपारकर राठी है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो विकानगर टोंक में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊन किस राज्य में उत्पादित की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादित की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोहड़ बेर बीकानेर में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर में थारपारकर प्रजाति पाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबू जी की पूजा की जाती है राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाने पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी की दृष्टि से, और ऊंट है पशुधन श्रेणी की दृष्टि से। ये याद रख लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुधन की अधिकता होने के बावजूद दूध व्यवसाय अविकसित अवस्था में क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ अच्छी किस्म के पशुओं की कमी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तल का जहाज किसे कहा जाता है? मस्तल का जहाज कहा जाता है ऊंट को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 1967 को राष्ट्रपति शासन पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो टीकाराम पालीवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा सर्वप्रथम कब और कहां हुई? तो पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे।